हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स के और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। लिखा है रूट्स आर इक्वल। इसमें रूट्स क्या है? इक्वल हैं। आपको पता लगाना है एम की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि ये क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, हर क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? हम लिखते हैं ए, बी और सी। तो ए इक्वल टू यहाँ क्या होगा? वन। b इक्वल टू होगा 2m-1 एंड c इज इक्वल टू होगा m+5। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ax2 bx + c = 0। जो जो कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर होता है वो a कहलाता है, कोफिशियंट ऑफ x होता है वो b कहलाता है, और कोफिश और इसके अलावा जिसमें x ना हो वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट दैट इज फ्री फ्रॉम x। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लिखा कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 ब्रैकेट में m-1 एंड c इज इक्वल टू m+5। तो इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि रूट्स आर इक्वल, सो b²-4ac = 0। हम यहाँ b स्क्वायर की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा 4 और n-1 का स्क्वायर माइनस 4। ए है इतना और सी कितना होगा? m+5 = 0। ये 0 की वजह से 4 कैंसिल हो गया। अब m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m+5 हमने लिख दिया। दैट इज सिंपल कैलकुलेशन बच्चों। अब हम इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, तो जब इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा। जब हम इसका होल a² + b² - 2m और ये हो जाएगा m+5। फिर इसे हम सॉल्व कर लें, m²-3m-4 = 0। 1-5 gives 4। अब ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें 4 को ऐसा ब्रेकअप करना है कि 3 आ जाए, तो 4 × 1। दो फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे कितना हो? 3। तो हम ये लिखेंगे 4m + m-4 = 0। और फिर हम यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, m-4 + 1 m-4 = 0, m-4 and m+1 = 0। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है जो हमने यहाँ कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे जो आया वो हमने यहाँ पर लिखा। अब m-4 = 0, सो m becomes 4 and m plus 1 = 0 m = -1। तो इस तरह से इसके दो मान आपको प्राप्त हो गए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन तो इजी होते हैं बच्चों, बस उसमें कैलकुलेशंस जो होते हैं वो थोड़े से टिपिकल कर दिए जाते हैं। जैसे कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा अगर स्ट्रांग है तब आप बड़ी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन जिसमें डिस्टिंक्ट रूल हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और रियल हैं। उस केस में हम p की वैल्यू या m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, px²(6x + p = 0) और यहाँ गिवन क्या है बच्चों? गिवन है कि रूट्स रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट। तो हम क्या ऐसे करेंगे यहाँ पर बच्चों? लिखेंगे सबसे पहले तो इक्वेशन उतार लेंगे, और हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरुआत a = p b = -6 c = 2p, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और हम यहाँ पर किसके हम जानते हैं रूट्स रियल कब होते हैं? कंडीशन ऑफ बीइंग रियल एंड डिस्टिंक्ट। कंडीशन ऑफ बीइंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशंस क्या है? वो होती है b²-4ac > 0। तो हम यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -6² - 4, ए है p और c है p > 0।
अब ये हो जाएगा 36 माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हम इस कैलकुलेशन 9 से 4 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 9p स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन आप देखिए कि किस तरह से ये कैलकुलेशन किया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 9 माइनस पी स्क्वायर जो अननोन क्वांटिटी है उसे प्लस 1, तो माइनस से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस केस में अब हम इसका यहाँ फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने पर देखिए क्या आएगा, पी प्लस 3 एंड पी माइनस 3 इज लेस देन 0। और इसे हम एक्सप्लेन करके ले सकते, देखिए अगर हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, इस कंडीशन कब सेटिस्फाई, जब पी का मान 3 से, पी का मान देखिए पी की, और इन दोनों कंडीशन को जरा गौर से देखिए, हमें चाहिए इन दोनों का ओवरऑल जो रिजल्ट हो वो कैसा हो, वो ओवरऑल रिजल्ट लेस देन 0 हो। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि एक पार्ट आपका पी प्लस 3 और एक पार्ट आपका पी माइनस 3 हो, तो हम रियल और इक्वल रूट्स के लिए इम्प्लाइज करके ये लिख देते हैं, पी माइनस 3 ग्रेटर 3 पी एंड 3। तो पी की जो वैल्यू होगी वो माइनस 3 और 3 के बीच में होगी। एक्चुअली यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो लॉ ऑफ इक्वलिटी, जो लॉ ऑफ इन इक्वेशंस के नियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट किया। तो जब कभी भी एक प्लस हो नंबर और एक माइनस हो नंबर, तो हम उसे इस प्रकार से लिखते हैं। तो हमने इसमें क्या लिखा, माइनस थ्री एंड लेस और इक्वल टू, सॉरी माइनस थ्री पी इज लेस देन माइनस थ्री एंड पी इज ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड लेस देन थ्री। वो हमें यहां से देखिए, जब पी का मान माइनस थ्री से बड़ा होगा तो ये इक्वेशन देखिए सेटिस्फाई करेगी। माइनस थ्री से बड़ी कौन सी होगी, माइनस टू। आप यहाँ माइनस टू रखिए और यहाँ भी माइनस टू रखिए, देखिए क्या आएगा, माइनस टू रखने पर माइनस फाइव और यहाँ पर तो ओवरऑल ये पूरा कितना हो गया माइनस में, जो कि इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और थ्री से लेस हो तो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, थ्री से लेस का केस में माइनस टू हो, तो इसलिए ऐसी इक्वेशन को हमें यहाँ पर बनाना होता है। इसको समझने के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो प्रिपेयर करूँगा जहाँ इस कॉन्सेप्ट को आसानी से, लेकिन जब कभी आपको ये चीज़ दिखे पी प्लस थ्री पी माइनस थ्री, तो हमें इसको ऐसे लिखना होता है। आइए और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कहा गया है इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट हो तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है पी की। तो आइए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, फिर वही क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है गिवन क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 1। तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिस्टिंक्ट के लिए, रियल और डिस्टिंक्ट के लिए ये कंडीशन होती है, और यहाँ लिख दी। अब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, 4 ये हो गया, ए कितना है पी, सी कितना है 1, 0 हो गया, प्लस 4p 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है बच्चों कि हम यहाँ पर 4p को दोनों तरफ अगर हम 4p ऐड कर दें तो देखिए क्या होगा, 4p ऐड कर देंगे तो इधर 4p कैंसिल हो जाएगा और ये 4p इस तरह से, मतलब यहाँ हमने ये किया है दोनों तरफ हमने 4p ऐड कर दिया, तो देखिए क्या होगा, ये 4p कैंसिल होके ये कंडीशन है, और हम इसे क्या ले सकते हैं, 4p लेस देन 16 एंड p इज लेस देन 4। तो p की वैल्यू जो होगी वो 4 से क्या होगी, वो 4 से हमेशा कम होगी। देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट दिया है तो हमने लगाया, अगर क्वेश्चन में रियल दिया होता बच्चों, केवल क्वेश्चन में अगर रियल होता, कंडीशन ऑफ, नोट दिस पॉइंट, कंडीशन ऑफ बीइंग, कंडीशन ऑफ बीइंग
रियल रूट्स। अगर केवल क्वेश्चन में रियल रूट्स की बात होती तो हम यहाँ पर लिखते, तब हमारा केवल एक ही काम होता और हमें लिखते बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस सिचुएशन में जो रूट्स हमारे होते हैं वो रियल होते हैं। इक्वल और डिस्टेंट जब हम करते हैं तो ये इक्वेशन दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक जिसमें इक्वल का साइन लगता है और एक जिसमें ग्रेटर का साइन लगता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर हुए होंगे, इनको कई बार 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 रिवाइज करिए, आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हैं ये, पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आई एम श्योर ये आपको समझ में आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।